गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास सिक्स एंड सेवन्थ। टुडेज टॉपिक इज टेंस। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है। तो टेंस हम हिंदी में बोले तो टेंस को कहते हैं हम काल। क्या कहते हैं हम टेंस को? काल। टेंस तीन होते हैं, यानी काल तीन होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो इसे अगर इंग्लिश में हम डिवाइड करें तो हम टेंस को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। टेंस को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हम जो अपने वाक्य बनाते हैं, जो हम डेली यूज़ में जो हम वाक्य बोलते हैं, तो वो हम तीन तरह से बोलते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, या मैंने खाना खाया था, या मैं खाना खाऊंगा। यानी हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीन तरह से बोले। अगर हम नॉर्मली बात करें प्रेजेंट की, तो आई ड्रिंक मिल्क, ये हमने क्या बोला प्रेजेंट टेंस में। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूँ। इसी को हम पास्ट में बोलें तो आई ड्रैंक मिल्क, मैंने दूध पिया। और इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में बोलें तो आई शैल ड्रिंक मिल्क। यानी हम अपनी बात को तीन कालों में कहते हैं। अगर हमने कोई काम पहले ही कर लिया है तो उसे हम पास्ट में बताएंगे, अगर हम वर्तमान में कर रहे हैं तो उसे प्रेजेंट में, और अगर हम आगे या कल या परसों करेंगे तो उसे हम फ्यूचर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे टेंस होते हैं, काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन्हें भी हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग, यानी जो हम वाक्य बनाते हैं उसे चार भागों में डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर में को भी। तो इसका जो पहला डिवाइड होता है उसे बोलते हैं हम इनडेफिनिट। इनडेफिनिट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस टेंस। और थर्ड परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये केवल प्रेजेंट के नहीं होते, पास्ट में भी हम यही, अगर हम बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह हम पास्ट टेंस को भी चार इन्हीं भागों में डिवाइड करते हैं और फ्यूचर को भी। तो आज जो हम चर्चा करेंगे डे बाय डे, तो आज हम करेंगे अपना इंडेफिनिट टेंस पर। जो आज हम पढ़ेंगे वो इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रेजेंट, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट और डेफिनेट समझो। डेफिनेट होता है निश्चित और इंडेफिनिट अनिश्चित। यानी हम जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित नहीं है। उस तरह के वाक्य जिस तरह के वाक्यों में किसी कार्य का निश्चित होना नहीं होता है, यानी काम क्या होता है अनिश्चित होता है, तो वो वाले वाक्य किस में आते हैं हम इंडेफिनिट टेंस में। और ये काल के अकॉर्डिंग होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी हम कर रहे हैं वर्तमान की बात, कि इस वर्तमान में जिस तरह के हम वाक्य बोलते हैं जो निश्चित ना हो उन्हें बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनकी जो पहचान होती है वाक्यों की वो क्या होती है? इन वाक्यों में क्रिया के अंत में, जो वाक्य होते हैं इनमें क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं क्रिया के अंत में। अब हम अगर हम एक सेंटेंस लिखें कि आम
मीठा होता है, तो यहाँ क्रिया नहीं है, एक नॉर्मली सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं आएगा। तो हमें जैसे उदाहरण के लिए वह खाना खाता है, तो ये क्या हुआ हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हुआ। इसे हम ट्रांसलेट किस तरह करेंगे इंग्लिश में, तो ट्रांसलेट हम तीन तरह से करते हैं, एक तो अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस जो मैंने लिख लिया, दूसरा नेगेटिव जहाँ नहीं का यूज होता है जैसे वह खाना नहीं खाता है, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे अपने अफर्मेटिव की करेंगे कि अफर्मेटिव में क्या रूल फॉलो होता है और कैसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी वाक्य को इंग्लिश में। तो फर्स्टली इसमें एक वचन अगर हम कहें ही शी इट, या एक वचन के साथ हम किसका यूज करते हैं एक वचन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज करते हैं। दूसरे आई वी यू दे, या हम बहुवचन के साथ यानी यहाँ मैनी की बात हो तो बहुवचन के साथ हम केवल फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, उसमें हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। अब सेंटेंस हम तीन तरह से बनाते हैं क्योंकि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य सिंपल वाक्य। तो इनमें हम सबसे पहले क्या लगाते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले क्या यूज होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद में अगर वो एक वचन है सिंगुलर है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे एस या ई एस, और उसके बाद में हमारा क्या आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर वह गाना गाती है, वह गाना गाती है, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है वह लड़की है या गाती है। सेंटेंस ही क्लियर हो रहा है कि ये मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर की बात कर रहा है, तो गाती है तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट शी। अब सी के बाद में हमें क्या करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है गाती है, तो फर्स्ट फॉर्म सी सिंग। अब कह रहा है अगर सिंगुलर है यानी एक वचन है तो इसमें क्या जुड़ेगा एस या ई एस जुड़ेगा, तो हम जोड़ेंगे सी सिंग्स आ, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ सॉन्ग, सी सिंग अ सॉन्ग। अब हम एक बहुवचन का सेंटेंस देख लेते हैं यानी प्लूरल का, वे मैदान में दौड़ते हैं। अब वे बहुत मतलब कई लोगों की बात हो रही है, बहुवचन की बात हो रही है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा वे, तो वे यानी दे, वर्ब क्या है हमारी दौड़ना, तो दौड़ने के लिए दे रन। अब पहले ही बता दिया है कि आई वी यू दे यानी बहुवचन के साथ हम केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, इसमें एस या ई एस का यूज नहीं होगा, तो दे रन इन द मैदान फील्ड। मैंने आपको अफर्मेटिव के दोनों प्रकार के सेंटेंस बताए सिंगुलर भी और प्लूरल भी, अब हम बात चर्चा करेंगे नेगेटिव की, तो नेगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं। अब हमने पढ़ा अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव नकारात्मक जिसमें नहीं का यूज होता है। इसे बनाने से पहले भी कुछ रूल हैं एक वचन और बहुवचन के, तो एक वचन यानी ही शी इट या
एक वचन के साथ। हम किसका यूज़ करते हैं? डू नॉट, यानी नहीं वाले वाक्यों में एक वचन के साथ हम यूज़ करते हैं डू का। और सॉरी, एक वचन के साथ यूज होता है डज नॉट। एक वचन के साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट। और आई वी यू दे, जो भी जितने भी बहुवचन होंगे नेम में भी बहुवचन के साथ डू नॉट। अब इन्हें बनाने के लिए रूल है हमारा, सबसे पहले हम वही क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, यानी सेंटेंस के एक वचन है या सिंगुलर है या प्लूरल है, नंबर के अकॉर्डिंग हम डू या डज का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद में हम फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इसका एक एग्जांपल लें, राधा नहीं खेलती है, तो राधा क्या है, सिंगुलर है, एक की बात हो रही है केवल, तो सब्जेक्ट हमारा राधा। अब हम इसके बाद में क्या यूज करेंगे, डू या डज में से एक को चुनेंगे, तो वो हम कैसे चुनेंगे, अपने नंबर के अकॉर्डिंग। अगर एक की बात हो रही है तो हम क्या किसका यूज करेंगे, डज नॉट। राधा डज नॉट, और फिर हमारा उसके बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डज नॉट प्ले। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन हमारे सेंटेंस में हमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहीं पर समाप्त करेंगे, राधा डज नॉट प्ले। इसका एक एग्जाम्पल हम ले लें प्लूरल से, दूसरा एग्जाम्पल हम रात में सोते हैं, तो हम सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, और इसकी इंग्लिश क्या आएगी, वी। अब इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, डू या डज का, तो क्योंकि ये प्लूरल है बहुवचन है तो डू, वी डू नॉट। सो फिर हमारी वर्ब क्या आई, सोना यानी स्लीप। ऑब्जेक्ट इन द स्लीप एट नाइट आएगा, इसमें नाइट सोने के लिए, स्लीप एट नाइट। तो हमने ये देखा नेगेटिव सेंटेंस से हम किस तरह से बनाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपने, इसमें मिस्टेक रह गई थी सेंटेंस में कि हम रात में सोते हैं, हम बना रहे हैं क्योंकि चूँकि नेगेटिव सेंटेंस, तो हमारा सेंटेंस क्या आएगा, हम रात में नहीं सोते हैं, तो हमारा नहीं के लिए डू नॉट, सब्जेक्ट हमारा वी, तो वी डू नॉट स्लीप एट नाइट। अब हम आगे चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो प्रकार से बनाते हैं, यानी दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले तरह के वाक्य जो होते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अपनी हेल्पिंग वर्ब का, जो हमने क्या यूज़ करी है इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू या डज। तो प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आता है, तो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं डू या डज का। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे यदि प्रश्नवाचक शब्द बाकी के प्रारंभ में आता है, तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, जो क्या है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डू या डज। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम क्लियर करेंगे अपने एग्जांपल यानी उदाहरण से। क्या
मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या है और ये इस सेंटेंस के बाद में सबसे पहले आया है। तो मैंने अभी इसमें बताया था नियम के सबसे पहले आए तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू या डज। अब हम डू या डज का यूज़ अपने नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर ये सिंगुलर में है तो डज होगा, प्लूरल में होगा तो डू, क्योंकि मैं के साथ यानी आई के साथ हमने किसका यूज़ करा है, डू के साथ, डू का। तो डू आई, अब हमारी वर्ब सब्जेक्ट हो गया, डू हो गया, वर्ब क्या है फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, तो डू आई रीड अ, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा बुक, फिर क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप होता है यदि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में बीच में आए, तो जो हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द यानी डब्ल्यू फैमिली वाले शब्द व्हाट वेयर व्हेन, तो ये वाले शब्द अगर वाक्य के बीच में आए तब हम कैसे बनाएंगे। वाक्य के बीच में आए तब, यदि ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो हम डू या डज से पहले क्या लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड लेते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में है उसके बाद में हम डू या डज का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर, यानी अपने सिंगुलर या प्लूरल नंबर के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए जो हम एग्जाम्पल देखेंगे वो यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल इसका, वे कहाँ रहते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, और कहाँ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेयर। अब इसमें मैंने रूल में आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में क्या आएगा, डू या डज। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर यानी दे है, तो हम इससे पहले क्या लगेंगे, वेयर डू, सब्जेक्ट हमारा दे और रहना यानी वर्ब आ गई, तो वेयर डू दे लिव, फिर क्वेश्चन मार्क। हमने इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करने सीखे हिंदी से इंग्लिश में। तो हमने ये सेंटेंस हमारे सबसे स्टार्टिंग थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगले चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे, सिखाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी भूतकाल में हम अपने वाक्य को किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आप एक दो बार इसका वीडियो देखें और एक्सरसाइज बुक से, जो बुक में दी गई एक्सरसाइज है उसे करने का अभ्यास करें।